उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके जैसा और कौन सा डिवाइस है जिसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं अपना। मेरा नाम प्रशांत मौर्य है। हम लोग नेटवर्किंग में आईटी नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइसेस डेटा सेंटर ऑडियो वीडियो में डील करते हैं। हमारे पास स्विचेस एक्सेस पॉइंट राउटर फायरवॉल रैक्स पैसिव आइटम ये सारे हमारे आईटी हार्डवेयर में होते हैं। साथ में हम आईटी हार्डवेयर इंस्टॉलेशन एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ऑडियो वीडियो की बात करें तो ऑडियो वीडियो में हमारे पास हारमन के ब्रांड हो जाते हैं, सनाइजर हो जाता है, डैप हो जाता है, आइडिया हो जाता है, यामाहा हो जाता है। साथ में इनके स्पीकर एम्पलीफायर मिक्सर माइक्स ऑल टाइप्स माइक्स केबलिंग इंस्टॉलेशन सॉल्यूशन बनाने का काम ये सब कुछ हम लोग करते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप की रिक्वायरमेंट हो, अगर आईटी से रिलेटेड या ऑडियो वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपको कॉन्टैक्ट करना हो, बेस्ट प्राइस के लिए हो, सॉल्यूशन बनवाने के लिए हो या साइट विजिट के लिए हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देखते हैं। हम देख रहे हैं कि अरूबा का एक डैशबोर्ड खुला हुआ है जहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। सबसे पहले मैं अरूबा डिवाइस को सेटअप कैसे करना है। सिंपल सा अरूबा बॉक्स ओपन करेंगे, डिवाइस को बाहर निकालेंगे और उसे पीओई स्विच या नॉन पीओई स्विच के साथ पीओई स्विच से उसे कनेक्ट कर देंगे। मतलब जिससे पीओई का फुल फॉर्म होता है पावर ओवर इथरनेट। एक लैन केबल लेंगे और एक्सेस पॉइंट में डाल देंगे। अगर हमारे पास नॉन पीओई स्विच है तो हम एक इंटरनेट तो अपने डिवाइस को देंगे और साथ में उसे पावर देने के लिए पीओई इंजेक्टर का यूज करेंगे या एडाप्टर का यूज करेंगे। जब हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो हमें सबसे पहले ये जो आप वाईफाई का आइकन देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक SSID शो होगा जिसका नाम होगा सेट मी अप और जो आपका डिवाइस होगा उस डिवाइस के अंत में जो मैप एड्रेस होगा ना वो आपके यहाँ पे शो होने लगेगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगता है उस SSID को शो होने में। सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा डैशबोर्ड एक ओपन हो जाएगा। जब डैशबोर्ड आपका ऐसे ओपन हो जाएगा तो हमें बाई डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिन होता है इसका, एडमिन डालेंगे। अब आपको तो पासवर्ड पता नहीं है, पासवर्ड क्या डालना है। पासवर्ड होता है बाय डिफॉल्ट अरूबा का जितने भी एक्सेस पॉइंट है या मेजरली जो स्विचेस हैं उनका सीरियल नंबर होता है। उनका कैपिटल में सीरियल नंबर डालेंगे। सीरियल नंबर डालकर उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फिर वो पेज रिडायरेक्ट होगा और एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर अपना एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद वो अपने कंट्री कोड पूछेगा। हम अपने कंट्री कोड वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लेंगे। इतना तो मैंने सब कुछ कर रखा है। अभी मैं सिंपल यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के लिए मैं अपना जो पासवर्ड बनाया था वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ पे लॉगिन किया, इंटर किया, ये मैं लॉगिन हो गया। मैं आपको डैशबोर्ड का ओवरव्यू देना चाहता हूँ। सबसे पहले डैशबोर्ड पे आएंगे, आपको एक ओवरव्यू दिखेगा, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट क्लाइंट्स। नेटवर्क में आपके जितने भी SSID क्रिएट किए होंगे आपने वो यहाँ पे शो होगा। आपके नेटवर्क में जितने भी हार्डवेयर एक्सेस पॉइंट लगा होगा वो उसका नंबर यहाँ शो होगा। एक्सेस पॉइंट से कितने क्लाइंट कनेक्टेड हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे शो होगा। ओके, अब बात करते हैं नेटवर्क। हमने एक टेस्ट नेटवर्क बनाया रखा है जो हमारा वाईफाई का नाम है टेस्ट। जैसे कि आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पे टेस्ट से कनेक्टेड है तो ये आपका एक SSID शो होगा। SSID पे कितने क्लाइंट ऐड है वो यहाँ पे आपका शो होगा। अब बात करते हैं एक्सेस पॉइंट के बारे में। हमारे जितने भी एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं उसका यहाँ पे मैक एड्रेस और साथ में कौन सी IP ले रहा है वो IP शो होगा। कितने क्लाइंट उस एक्सेस पॉइंट पे कनेक्टेड है वो शो होगा। कौन सा मॉडल है वो सब कुछ यहाँ पे शो होगा। अब बात करते हैं क्लाइंट का, कितने क्लाइंट आपके अरूबा के वाईफाई से कनेक्टेड है वो यहाँ पे शो होगा। अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आता है नेटवर्क्स। नेटवर्क्स पे क्लिक करके आप SSID बना सकते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे आप एक अपना अलग से SSID क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं आपके सामने एक बार SSID क्रिएट कर देता हूँ, Test2। इसको मैं एम्प्लॉय पे, यहाँ पे ऑप्शन आता है प्राइमरी यूज का, एम्प्लॉय वॉइस गेस्ट, हमें एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है
और आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, वर्चुअल कंट्रोलर मैनेज्ड, नेटवर्क असाइंड। नेटवर्क असाइंड का अर्थ यह होता है कि अगर आपके नेटवर्क में जो आईपी आ रहे हैं वही आईपी आगे अरुबा के वाईफाई से जो भी कनेक्टेड होंगे उनको मिलेगा वो आईपी। वर्चुअल कंट्रोलर मैनेज का मतलब हो गया जो आईपी आपका नेटवर्क है वो आईपी जो भी इस डिवाइस से कनेक्टेड होंगे उनको नहीं मिलेगा, उनको दूसरा आईपी जो एक्सेस पॉइंट खुद जनरेट करके देगा जो आपके आईपी के रेंज से बाहर का होगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें आपको पासवर्ड डालना होगा। सपोज एक मैं पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे, अभी याद रखने के लिए 1 डाल देता हूँ। टाइम अगर आपके नेटवर्क में एक से ज्यादा डिवाइसेस लगे हैं, अगर आपको रोमिंग ऑन करना है तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। रोमिंग ऑन करने के क्या फायदे होंगे? रोमिंग ऑन करने से हमें यह फायदा होगा कि अगर हम कहीं भी मूव करते हैं सिंगलेस कनेक्टिविटी बनी रहेगी, हमारा डिवाइस क्लस्टर में रहेगा। हम एक जगह से दूसरे जगह में जाएंगे तो हमारा नेटवर्क ब्रेक नहीं होगा या हमारा फोन कॉल डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए वैसा हमें रोमिंग ऑन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको एक्सेस रूल्स का ऑप्शन आ रहा है, ये हम लोग क्रिएट करना बाद में सीखेंगे। यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद हमारा ये यहाँ पे एक एस एस आई डी क्रिएट हो गया। अब ये एस एस आई डी आपके लैपटॉप में या फोन में शो हो रहा होगा। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे टेस्ट टू करके एक ऑप्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये जो मैंने टेस्ट टू बनाया है यहाँ पे ये आ गया, आप इसे कनेक्ट कर लेंगे। चलिए अब मैं इसी में इसका और एडवांस वर्जन बताता हूँ। कभी भी आपको एडिट करना हो, क्लिक किया और पेंसिल आइकन पर आया, एडिट किया, सो एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इतने सारे ऑप्शन आएंगे। ब्रॉडकास्टिंग, मल्टीकास्ट आपको दिख जाएगा, ट्रांसमिट रेट मिल जाएगा, चैनल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये प्रोटोकॉल दिख जाएगा, आपको कौन सा बैंड प्रेफर करना है, 2G करना है, 5G करना है, अमल रखना है, आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने जोन डाल सकते हैं, ये किस जोन में काम करेगा, टाइम रेंज डाल सकते हैं, बैंडविड्थ लिमिट फिक्स कर सकते हैं, आप कितना बैंडविड्थ यूज करना चाहते हैं इस पर ये कर सकते हैं। मिसलेनियस में आपका कंटेंट फिल्टरिंग ऑन कर सकते हैं, SSID क्रिएट कर सकते हैं, आउट ऑफ सर्विस आप यहाँ पर डाल सकते हैं, VPN कनेक्ट कर सकते हैं, ये सारे फीचर्स हैं, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सेस पॉइंट। जो हमारा डिवाइस है अगर उसको हमें अपने हिसाब से इसका नाम डालना हो, कोई लोकेशन वाइज नाम डालना हो, जोन वाइज नाम डालना हो, RF जोन डालना हो, कर सकते हैं। अगर हमें इस डिवाइस को मास्टर बनाना हो तो हमें प्रेफर्ड मास्टर पर क्लिक करके इस डिवाइस को, किसी भी एक डिवाइस को मास्टर बना सकते हैं। अगर हमें एक्सेस पॉइंट का स्टैटिक आईपी देना है तो इस पर क्लिक करके हम यहाँ पर अपना स्टैटिक आईपी डाल सकते हैं। अभी मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ। अब बात करते हैं रेडियो। रेडियो यहाँ पे आ गया। आप ये दोनों आप रेडियो मॉनिटर कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम मॉनिटर कर सकते हैं, 2G का, 2.4 GHz का और 5 GHz का। इंस्टॉलेशन टाइप में आप ये बता सकते हैं आपका डिवाइस इंडोर में लगा है या आउटडोर में लगा है। अगर डिफॉल्ट रखेंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा। अपलिंक में ऐसा कुछ है नहीं, आप इसको सेव कर सकते हैं। फिलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अब आते हैं सिस्टम पे। आपने जो लॉगिन किया है अरुबा का जो डैशबोर्ड था, आपने जो एडमिन का आईडी डाल के और अपने सीरियल नंबर डाल के जो लॉगिन किया था, फिर बाद में आपने एक पासवर्ड क्रिएट किया था, अगर आप उस पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ एडमिन पे क्लिक करना है, आप यहाँ से वो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी को एक्सेस देना चाहते हैं केवल व्यू कर सके कि आपके अरुबा के वाईफाई में कौन कौन कनेक्टेड है और क्या चल रहा है, तो आप यहाँ कर सकते हैं। गेस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे एक एक्सेस दे सकते हैं। एयरवे अगर आपको कनेक्ट करना हो इसे तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। जनरल में भी जाए वर्चुअल कंट्रोलर आईपी डाल सकते हैं, वर्चुअल कंट्रोलर आईपी वर्जन 6 डाल सकते हैं, रेडियस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हैं। और कुछ है सिक्योरिटी में आते हैं। सिक्योरिटी में बात करते हैं यूजर से। यहाँ पे अगर आप कभी भी मैक बेंडिंग करते हैं, मैक बेंडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपना मैक एड्रेस को यूजर्स में आके
मैक एड्रेस फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तीनों रो में सेम मैक एड्रेस डाल देना है। और अगर आपने जो एसएसआई आई डी क्रिएट किया था, गेस्ट वाला गेस्ट किया था या एम्प्लॉय किया था, अगर जिस पे आपको ब्लॉक करना है उसको आपको यह सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। जिस पे भी आपका मैक बैंडिंग ऑन होगा, अगर एम्प्लॉय पे मैक बैंडिंग ऑन है, अगर उस यूजर्स का मैक आई डी यहाँ डाला हुआ है तो वो यूजर्स ही सिर्फ कनेक्टेड होगा। अगर जिस एस एस आई डी पे आपका मैक बैंडिंग नहीं है, अगर उस यूजर्स का मैक आई डी यहाँ डाला हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यूजर्स उस एस एस आई डी से कनेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं रूल्स का। यहाँ पे आप रूल्स क्रिएट कर सकते हैं, मैं आपको एक रूल्स क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे रूल्स देख सकते हैं। रूल्स में क्या क्या है, नेटवर्क पे रूल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो भी आपको प्रोटोकॉल लाना है, डिनाई करना है, अलाउ करना है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे आपको कुछ करना है वो कर सकते हैं, कौन कौन सा एप्लीकेशन बैन करना है, अलाउ करना है, डिनाई करना है, वो कर सकते हैं। एप्लीकेशन कैटेगरी को आप डिनाई कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, वेब कैटेगरी, वेब, ये सारी चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना आईपी, कोई अपने नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क आईपी डोमेन सीरीज ब्लॉक करना हो तो आप यहाँ से वो चीज़ें ब्लॉक कर सकते हैं। आपको बैंडविड्थ कंट्रोल करना है तो बैंडविड्थ कॉन्ट्रैक्ट पे जाके आप कितना बैंडविड्थ एक एस एस आई डी पे देना चाहते हैं उसको आप यहाँ डाल सकते हैं, पर यूजर होगा या होल डिवाइस होगा, आप वहाँ से आप ये कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं ब्लैक लिस्टिंग पे। अगर आपको किसी यूजर का मैक एड्रेस ब्लैक लिस्ट करना है, आप उसका यूजर्स यहाँ पे मैक एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप राउटिंग प्रोटोकॉल ऐड कर सकते हैं, राउटिंग आईपी भी डाल सकते हैं, टनलिंग कर सकते हैं, सर्विसेज है यहाँ पे, एयर प्रिंटर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे, अमेजन टीवी, ये सारे सब कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। साथ में आप वाईफाई कॉलिंग का फीचर्स भी आप यहाँ पे इनेबल रहता है बाय डिफॉल्ट। डीएससीपी सर्वर आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। अबाउट में आपका डिवाइस का जितना भी नाम होगा, मॉडल नंबर होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ से होगी। फॉर्मवेयर में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपके डिवाइस का कौन सा वर्जन अभी चल रहा है, वहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मवेयर अपडेट करना हो तो सिंपल क्लिक फॉर न्यू वर्जन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से पहले हमेशा आप ये रिबूट ऑल एपी सॉफ्टवेयर अपग्रेड वाला जो से ऑफ कर लेंगे, नहीं तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, अपडेट होने के बाद आपका डिवाइस रिबूट हो सकते हैं, तो हमेशा ये कर लें। अभी कोई न्यू वर्जन अवेलेबल नहीं है तो कुछ शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन का आपको बैकअप चाहिए, बैकअप ले कर रख सकते हैं। अगर इनकेस आपका ये डिवाइस किसी तरह से काम करना बंद कर देता है, आपको रिसेट करना पड़ जाता है, तो आपका ये बैकअप रहेगा, तो कभी भी आप इस बैकअप को उठाकर फिर से उसी दूसरे डिवाइस में या उसी डिवाइस को रिसेट करने के बाद उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन इसके कौन साथ में जो भी आया होगा आप डाल सकते हैं, न्यू सर्टिफिकेट भी इस पर अपलोड कर सकते हैं। डिवाइस को रिबूट करना हो रिबूट कर सकते हैं, एक साथ पूरे डिवाइस को रिबूट कर सकते हैं या एक एक करके भी आप रिबूट कर सकते हैं। ये कन्वर्ट रेगुलेटरी है। आप यहाँ पर आते हैं सपोर्ट में, आपको लॉक्स देखने हैं कि क्या हमारा अरुबा के डिवाइस पे कौन कौन से लॉक्स हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ए पी लॉक्स ऑल पे क्लिक करेंगे और रन करेंगे तो यहाँ पे जितने भी लॉक्स होंगे आज के, वो सारे यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। ये रहा आज के वीडियो। अगर आपको एक्सेस पॉइंट पे रूल कैसे क्रिएट करते हैं, नेटवर्क में कैसे रूल क्रिएट करते हैं, अगर ये सारी जानकारी चाहिए तो कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपका इंक्वायरी है वो आप हमें शेयर कर दें या फिर कॉल कर लें, कॉन्टैक्ट अस करें। आगे की जानकारी मैं दूसरे वीडियो में फिर से बताऊँगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग देखेंगे नहीं। तो अगर आपको किसी भी टाइप का डिवाइस चाहिए तो हमें कॉल करें। थैंक यू, जय हिंद।